हे माय सनशाइन, राधे राधे। तो स्वागत है आपका हमारे साथ नवरात्रि के पांचवे दिन में, जो कि है देवी स्कंद माता का, जिसे उपवास और प्रार्थना के साथ मनाया जाता है। वैसे तो सारे व्रत हम लोग उपवास और प्रार्थना के साथ ही मना लेते हैं। तो ये भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश की माता है, जो चार हाथ और सफेद रंग वाली है। जो भक्त भक्ति पूर्वक इनकी पूजा करता है, उसे नकारात्मक विचारों और तनाव से मुक्ति मिलती है। पीला रंग स्कंद माता से जुड़ा हुआ है, तो इनको पीले वस्त्र और पीला फूल चढ़ाया जाता है। तो मैं भी आज पीले वस्त्र ही पहनने वाली हूँ, और दिन की शुरुआत मेरी होगी सबसे पहले अपने बच्चों को उठाने से। ये देखो मेरे बच्चे उठ गए हैं, और वो दोनों बच्चे भी आ गए हैं, और आते ही यहाँ इन दोनों की लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई हैं। बहुत दोनों दोनों बहुत लड़ते हैं भाई ये। और दिशिता अपने दोस्त के साथ खेल रही है, सुबह सुबह स्कूल जाना छोड़ के। दिशिता फास्ट है आज, फास्ट है। चलो दूध बना दूं। ओके, और क्या खाने वाली हो तुम आज? क्या खाने वाली हो दिशी? ये गिलास कब खाने वाली हो? ये क्या खाने वाली हो पूछा मैंने। दिन में रोटी खाते हो? दिन में रोटी खाओगी? आज दिशी ने लिया है वेनसडे का लुक। वाओ, मेरी वेनसडे। ये देखो कितना अच्छा भाई है मंथन। दिशी का रोज बैग कैरी करके ले जाता है खुद, और बैग खुला हुआ है। चलो रेडी हो? अरे मैं तो सोच रही हूँ। अच्छा दिशी ने सॉक्स भी ब्लैक ही पहनने हैं। चलो अब बाय बाय चाओ वैसे। आतुताला दिशी मंथन, आतुताला। तो अब हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे भजन के साथ, और साथ में कॉफी। चलो भजन लग गए हैं, आओ कॉफी पीते हैं, फिर मैं काम शुरू करती हूँ अपने। तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, और आप देख रहे हैं कि मैंने भी पीला ही पहना है, क्योंकि माँ स्कंद माता को पीले फूल चढ़ाए जाते हैं, पीला वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, सब कुछ पीला ही चढ़ाया जाता है। तो उनको पीला रंग पसंद है, इसलिए मैंने भी पीला पहना है। और अब मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो मेरी पूजा भी हो चुकी है, और अब मैं जाती हूँ बच्चों के लिए खाना बनाने, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। तो मैंने बच्चों के बना दिए दाल, और ये पक रहे हैं चावल। और किसी ने मुझे बोला था रोटी बनाने के लिए, और मैंने बना दिए हैं चावल। तो आज मेरी माता रानी रुष्ट होने वाली है मुझसे। पहले ही आते प्रकोप बरसेगा मेरे ऊपर कि मैंने तो रोटी बोला था, मेरे का चावल नहीं खाने। अब देखती हूँ भाई क्या होता है। ये देखो आ गई मेरी वेनसडे। ये मंथन भी आ गया। चलो जूते खोलो, जूते खोलो, मैं खाना लगाती हूँ दोनों के लिए। रोटी मूंग की दाल, मैं नहीं लेने वाला मूंग की दाल। ये लगा दिया है मैंने खाना, और अब होने वाला है यहाँ हंगामा। दीशी मैंने तो भत्तू बनाया है, व्रत में भत्तू खाते हैं। हाँ सच्ची ओ, हाँ बच गई मैं। मुझे तो लगा था दीशी ने मेरे से रुष्ट हो जाना है, गुस्सा हो जाना है, बच गई मैं तो। चलो अरे हाँ आज तो पॉपकॉर्न भी बनाने हैं। थैंक यू। तो भत्तू खाओ फिर, अभी गर्म होगा थोड़ा, ठीक है? आराम से खाना। ओके हाथ से खा सकती हूँ, लेकिन अभी गर्म है, हाथ जलेगा। ओके थैंक यू गुस्सा नहीं होने के लिए, भत्तू खाने के लिए। गर्म है ना? गर्म नहीं है, धुआं आ रहा है उसमें से, धुआं आ रहा है उसमें से। चलो खाओ, बोना पिची दी मैक्सी। ओहो बच गई मैं तो, वरना मेरी तो आज गई थी भाई, पटा लिया मैंने उसे। वाह ये नया बर्तन निकाल के लाई हो? नहीं। हाँ खाना पूरा ऐसा चाट के खा लिया तुमने? वाह पहले मैंने ऐसे, मतलब मैंने खाना टेस्टी बनाया था ना, ऐसे खोला खत्म हो गया। वाह मतलब मैंने खाना टेस्टी बनाया था। थैंक यू। ओके अब मैंने बनाया श्याम, और अपने लिए दूध, जिसमें कि मैंने डाला है केसर और गुड़, क्योंकि मैं चीनी नहीं खाती हूँ, मुझे गुड़ अच्छा लगता है। अब हम पीते हैं दूध। तो अब हम लोग रेडी होके घर से निकल चुके हैं, थोड़ा कहीं घूमने घामने के लिए। वैसे जा तो काम से रहे,
मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि वो मैंने शरारा गरारा पहना था तो उसको पहन के बाहर ऐसे घूम नहीं सकती थी, बहुत मुश्किल होती है उसे कैरी करने में, तो मैंने चेंज करके जीन्स और टी शर्ट डाल ली है। तो हम थोड़ा बाहर निकल गए हैं, श्याम सुंदर भी देखो डब्बा पकड़ के जा रहे हैं। अब श्याम निकाले साइकिल, हम लोग जाएंगे साइकिल से, मेरी साइकिल निकल रही है, मैंने पीछे से बैठ के जाना, और पीछे पता है कैरियर भी नहीं होता, मैं गद्दी में बैठ जाती हूँ और ये आगे से खड़े होकर चलाते हैं। बड़ा मज़ा आता है, मुझे तो मज़ा आता है, चलाने वाले का मुझे नहीं पता। ये देखो ऐसे हम लोग साइकिल में बैठ के जाते हैं, श्याम चला रहे हैं और मैं पीछे बैठी हूँ गद्दी में। जाते वक्त तो हम लोग एक ही साइकिल पर गए थे, आते वक्त हम लोगों ने अलग अलग साइकिल ली थी। अब मैं जा रही हूँ घर और श्याम चले गए धूप सेकने, क्योंकि आज अच्छी धूप आई हुई है, पर मैं थक गई, मुझे घर जाना है। ओके, तो अब खाना रेडी हो चुका है और टाइम है माता रानी को पूछने का और उन्हें भोग लगाने का। पानी गीला ही होता है, सूखा होता है पानी, जिसको हम बनाते हैं। पैर लगा के ना, ये पैर लगा के, ये तो गीला होता है। मैं क्या बताऊंगी, ये वाले नहीं, मैं ऐसे करना था। जय अम्बे गौरी माता, जय श्याम गौरी, तुम तो जगदम्बा जावते हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। आप क्या बोलना था, जय माता जी, प्रणाम, जय माता दी, आयुष आय तुम आशीर्वाद नहीं देती हो हमको, आशीर्वाद मैं भूल जाती हूँ। आशीर्वाद में क्या दे रही हो, ये लो माता रानी भोग लगाओ, खाओ। ये है मीठा, सॉरी भूल गई, ये है मीठा, खीर भी है अंदर, तुम इसे तो खाओ फिर देती हो, ये खाओ खीर भी है। ओके, पानी लेके आओ। तो माता रानी का भोग लग चुका है, तो अब हम दोनों भी खाना खा रहे हैं, श्याम और मैं। ये लगा ली मैंने अपनी थाली, बोन अपेटी। तो पांचवी नवरात्रि हमारी बहुत अच्छे से गई है, बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा, मन को शांति मिली, और मेरे घर में दो नए भगवान भी आए हैं, ये हैं। कल मेरे पास शिवा आए थे, आज मेरे पास नटराज और गणेशा आए हैं। तो मेरी नवरात्रियां तो बहुत अच्छी जा रही हैं इस साल की, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अंदर से ही, और बहुत अच्छा हो रहा है मेरे साथ। आशा है कि जो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन पे भी माता अपनी कृपा बनाए रखे हमेशा, आपके लिए आगे अच्छा हो, किसी के रास्ते बंद हो तो वो खुल जाए, सब कुछ अच्छा करे भगवान आप लोग के साथ। और मैं मिलती हूँ आपसे कल छठी नवरात्रि में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बीजू, जय माता दी।